गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इट इज आइडेंटिटी, प्रूव करना है हमें। क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल। ये चीज हमको प्रूव करनी है कि पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड होता है और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास जो चीज दी गई है ये वाली, ये चीज इसको ठीक। अब यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, हमने यहाँ पर क्या क्या एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू को दोनों हमने क्यूब में रख लिया ब्रैकेट में और प्लस का जेड क्यू अलग कर दिया माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देखो, जब ये नंबर हमारे पास ये रखा पूरा नंबर, इसको हमने एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको जो है ओपन कर दिया। जब इसको ओपन कर दिया तो पहला हो गया ए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई प्लस में ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और बाकी का नंबर फिर जैसे ही वैसे रहे। इसके बाद अब ये नंबर मेरे पास बहुत बड़ा होगा तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को यानी एक्स प्लस वाई को एक शॉर्ट फॉर्म में रख दिया जिसका नाम रख दिया हमने पी, एक्स प्लस वाई इक्वल पी। अब हमारे पास संख्या छोटी हो गई तो x प्लस वाई की वैल्यू है p, तो p हो गई, क्यूब हो गया माइनस थ्री एक्स वाई, फिर एक्स वाई तो फिर हमने रख दिया और बाकी का नंबर फिर वैसे। इसको हमने क्या किया, जेड को आगे लिया तो पी क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई और ये p हो गया यहाँ पर ठीक माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब देखो फिर हमने यहाँ पर अब क्या किया, इसके बाद में फिर यही लाइन आई है और यहाँ से हमने दोनों में से 3xy को कॉमन ले लिया तो यहाँ p बच गया प्लस z। अब देखो फिर दूसरी आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी है वही दोनों देखो है, लेकिन यहाँ पर दोनों आइडेंटिटी अलग अलग हो गए। यहाँ पर पहला ब्रैकेट में होल क्यूब है, यहाँ पर पहला ब्रैकेट खाली है सिंगल ही है और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका हमने यहाँ पर यूज किया। तो ये पी क्यू प्लस जेड क्यू को हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ये रख दिया माइनस का ये ठीक पी प्लस जेड हो गया, ये ओपन कर दिया हमने और यहाँ पर पी प्लस जेड को हमने दोनों यहाँ पी प्लस जेड है पी प्लस जेड को कॉमन ले लिया तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस का पी जेड माइनस का थ्री एच। अब हमने पी की वैल्यू रख दी यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू एक्स प्लस वाई है यहाँ पर, ये मानी था एक्स प्लस वाई तो ये रखती है एक्स प्लस वाई जेड, फिर पी स्क्वायर है यहाँ पर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया प्लस जेड स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू फिर एक्स प्लस वाई और फिर यहाँ पर जेड माइनस थ्री एच ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस जेड स्क्वायर एक्स जेड की मल्टीप्लाई कर ली हमने, पहला ब्रैकेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये 3xy में से 2xy सबट्रैक्ट हो माइनस का xy बचेगा, ये बचेगा ये बचेगा और हमारी आइडेंटिटी प्रूव ठीक है। नेक्स्ट एक आइडेंटिटी और है मेरे पास, उसको भी प्रूव करना है मुझे।
इसको प्रूव करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो है, तो ये करना है आपको कि a की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है थ्री एक्स वाई जेड। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, पहले यहां एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस जेड, जेड का ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्यूबिक इन बोथ साइड, दोनों साइड को क्यूब में कर देते हैं, तो x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल माइनस जेड का होल क्यूब। तो इसमें जब हम करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी, और इधर करेंगे तो माइनस का जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है यहां पर माइनस जेड, तो इसको कन्वर्ट में कर दिया माइनस जेड इक्वल माइनस जेड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा इक्वल माइनस का जेड क्यूब, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल थ्री एक्स वाई जेड हो गया प्रूफ। ओके, टोटल होमवर्क, you